जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों यूनिट डिजिट का हमारा क्लास चल रहा था, तो आज जो है हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से रिलेटेड पूछ ले जाते हैं उनको आज हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चंस फैक्टोरियल वाला है, तो इससे पहले के क्लास में हम फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को बताए थे। अगर वो बात आप जानते हैं या वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। देखते हैं इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर सीधा सा आपका हो जाएगा जीरो। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का इकाई अंक जीरो हो जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखे फैक्टोरियल तो जाकर के देख सकते हैं। यानी सीधा सा बात है कि कोई फैक्टोरियल लगा हुआ संख्या है। अगर नहीं देखे तो यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि फैक्टोरियल लगा हुआ कोई संख्या है, अगर वह जो है पांच या पांच से आगे है, फैक्टोरियल पांच से आगे तो उसका इकाई अंक हमेशा जीरो हो जाएगा। पांच है या पांच से आगे है तो उसका इकाई अंक जीरो हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 55 है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो सीधा सा जानिए इसका इकाई अंक आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। कैसे, सो देखिए कैसे हो जाएगा 300। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 1 का 24 हो जाएगा। सबको आप जोड़ लीजिए तो 24 और 36 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 का इकाई अंक कितना है, 3 है। तो इस तरह से तो फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है उसका एक कम्प्लीट क्लास हम पिछले वीडियो में कराए थे, अगर वो आप नहीं देखे देख लीजिएगा, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 99 तक गया है। ठीक है, तो देखिए ये सिंगल नहीं है, सिंगल अगर 99 देता तो इकाई अंक कितना हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन ये प्लस करके दिया है, क्या करके दिया है, प्लस करके दिया है। तो सीधा सा बात है कि 1 से लेकर के 4 तक फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आता है, 3 आता है। 1 से लेकर के 4 तक का फैक्टोरियल जो होता है उसका इकाई अंक कितना आता है, देख लिए 3 आता है। तो जैसे ही 4 से आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ही 4 से आगे बढ़ते हैं यानी 5 या 5 से आगे बढ़ते हैं तो इकाई अंक आना कितना शुरू हो जाता है, इकाई अंक आना हमको जीरो शुरू हो जाता है। तो इधर 4 तक का इकाई अंक 3 रहेगा और इधर 5 के आगे का इकाई अंक 0 रहेगा। तो 0 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 है ना आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 के पावर 62 51 है प्लस 36 के पावर 528 है प्लस 73 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो इकाई अंक के शुरू क्लास में देखे थे कि इकाई अंक में आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब कोई बड़ा बड़ा अगर डिजिट संख्या दिया गया है तो उसमें अगर इकाई अंक पूछता है तो खाली आप इकाई अंक से मतलब रखिए। तो यहाँ 25 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 25 में हमको देखिए 5 है, अब 5 है तो इकाई अंक अगर 5 है और उसके पावर कुछो है तो इकाई अंक 5 आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते कि अगर 5 है इकाई स्थान पर और ओकरा पावर कुछ दिया हुआ है तो इकाई अंक 5 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक 6 है, 6 है और 6 के पावर कुछ हो जाए तो क्या होगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो प्लस अब 73 जोड़ देना है, इसमें 73 जोड़ देना है मतलब 3 जोड़ देना है, इकाई अंक में हम खाली इकाई अंक देंगे कितना हो जाएगा। देखिए तो सीधा बात है कि 6 5 11 और 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा, 11 3 14 और 14 का इकाई अंक कितना है, 4 है। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 0 1 5 और 6, 0 1 5 6। अगर इकाई अंक पर 0 1 5 और 6 है और उसका पावर कितना भी है, इकाई स्थान पर आपका 0 1 5 6 ही आएगा, इतना बात से क्या। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अब चलते हैं यहाँ 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर में क्या कहा गया समझिए। 24 64 के पावर 200 है, ठीक है, 615 के पावर 615 और 131 के पावर 400 है। तो बड़का बड़का संख्या 100 का इकाई अंक धरिए, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1 हो गया, और 100 गुना करना है तो गुना करना है तो देखिए 4 हो गया और गुना 5 हो गया और गुना 1 हो गया। तो जहां भी आपको गुना वाला दिखे, जहां भी आपको बहुत बड़ा बड़ा संख्या गुना में दिया हुआ हो, पावर करके भी दिया हुआ हो, तो कहीं भी आपको 5 दिखाई देता है, कहीं भी आपको 5 दिखाई देता है और उसके साथ कोई सम संख्या दिखाई दे, 5 दिखाई दिया गुना वाला में और कोई सम संख्या वो गुना वाला में दिखाई दे दे तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्योंकि 5 का 20 और जैसे ही 20 आ गया और 20 में दुनिया के कोई संख्या से गुना कीजिए मतलब इसका इकाई अंक 0 आ गया और 0 में कोई संख्या से गुना कीजिए इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, गुना वाला में ध्यान रखना है, कहीं 5 दिखाई दे दिया
और सम संख्या दिखाई दे दिया, हमेशा आपका आंसर जीरो आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। इस तरह का भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर ऐसे 100 तक का गिन दिया। तो अगर सीधा सा आपको कि एक प्लस दो प्लस तीन ऐसे करके देता है एन तक, तो इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, योग निकाल लेते हो वहां से हमको एक एक मिल जाता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला बात है, क्या है यहाँ आपको स्क्वायर वाला बात है, तो स्क्वायर वाला का दूसरा फॉर्मूला होता है, स्क्वायर वाला का ये फॉर्मूला नहीं होता, स्क्वायर वाला का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। तो यहां से देखिए एन क्या होता है, तो एन हमारा लास्ट टर्म होता है, सौ का स्क्वायर है ना, तो हमारा एन सौ हो जाएगा। तो एन के जगह जैसे ही हम सौ रखेंगे, एन के जगह जैसे ही हम सौ रखेंगे मतलब इसका इकाई तो जीरो हो गया। तो आगे तो सब गुने में ना है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो सब गुने में, तो जीरो वाला के साथ अगर कोई के हम गुना करेंगे तो इकाई अंक पर जीरो आएगा, तो इस प्रश्न का सीधा आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये सब ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फैक्टोरियल वाला वीडियो नहीं देखे, फैक्टोरियल वाला वीडियो जाकर के देख लेगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।